हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफलाइन विद सिल्वी। और आज हम बनाएंगे खस्ता पूड़ी। जिसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हमें कुछ चाहिए होंगे, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आइए, आज का सेक्शन है व्रत वाली पूड़ी का आटा गूंदना। आप इसे नॉर्मली भी गूंद सकते हैं कि हम कैसे खस्ता पूड़ी बनाएं और उस खस्ता पूड़ी के लिए कैसा हमारा आटा होना चाहिए। तो आइए गूंदते हैं अपना आटा। मैंने लिया है 2 कटोरी आटा, 1 टेबलस्पून सूजी, थोड़ी सी अजवाइन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही नमक लिया है। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप आटा गूंद रहे हैं तो व्रत के लिए। फिर हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, हम डालेंगे हींग अगर आप व्रत का आटा नहीं गूंद रही हैं, और फिर हम इसे गूंद लेंगे। हमें इस आटे को गूंदने के लिए कभी भी कोई भी आटा गूंदे एकदम से सारा पानी नहीं डालें, थोड़ा सा डालें, फिर उसको ऐसे करके मसल लें। ये देखिए, नीट करते करते ऐसे लोइयां बन जाएंगी। आपको बस अपनी लोइयों को इकट्ठा करना है जब तक, और पानी भी तब तक ही ऐड अप करना है। जो लोइयां हो चुकी हैं उनको साइड पे कर देंगे ताकि हमें पता चले कि कितना कितनी मात्रा में हमारा आटा बचा है, उस हिसाब से हम और पानी ऐड अप करेंगे। जरा जरा सा करता जाएंगे, हमें बहुत ढीला भी आटा नहीं गूंदना होता पूड़ी के लिए और बहुत टाइट भी नहीं गूंदना होता है, मीडियम होता है इसका आटा। देखिए ये एक साथ हो गया है हमारा, बस अब हम इसे ऐसे ऐसे करके हम इसको गूंदते चले जाएंगे और इसे काफ़ी हद तक सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए, ये सारा प्रॉपरली नीड हो गया है, लेकिन हमें इसे एकदम से इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये अच्छे से नहीं बनेगी इसकी, ना रोटी ना पूड़ी। तो हम 10 मिनट के लिए रहने देंगे उस बर्तन जिसमें हमने आटा ट्रांसफ़र करना है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, हम एक बारी फिर से इसका आटा गूंदेंगे नीट करके प्रॉपरली, ताकि इसकी पूड़ी बहुत ही अच्छी बने हमारी। और इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे और लीजिए, तैयार है हमारा आटा, बहुत ही अच्छा पूड़ी वाला। परफेक्ट पूड़ी बनाने के लिए जो हमने आटा बनाया था वो लेंगे। पहले हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे अपना चकले पे, चकले पे थोड़ा सा तेल लगाकर हमने अपनी एक पेड़ा रखना है, उसे फिर बेल लेना है। छोटा सा पेड़ा लेंगे और हम इसे बस बेल लेंगे। और आइए अब इसको बनाते हैं हम पूड़ी को। बनाने के लिए हमें तेल अच्छा गर्म करना है, जलता हुआ नहीं करना है, लेकिन अच्छा तेल गर्म करके हमने अपनी पहले पूड़ी डाल दी है। फिर जैसे ही ये देखिए ये स्टेज आए हल्का सा, आप इसको लेंगे और फिर हम इसको पलट देंगे। इससे क्या होगा कि ये अच्छी करारी क्रिस्पी बनती है, ये अंदर से भी बहुत खस्ता और ऊपर से भी बहुत खस्ता बनेगी और बहुत ही टेस्टी। तो आइए इसको सर्व करते हैं। ये तैयार है हमारी पूड़ी, जिसे आप सर्व कर सकते हैं अपने चने। मेरी जो सी सीरीज चल रही है नवरात्र थाली के साथ, उसके साथ और हलवे के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।